प्रदेश में शुगर मिल शुरू हो चुकी है, लेकिन गन्ना किसानों को ना तो उसकी पेमेंट मिली है और ना ही गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन रतन नाम ग्रुप ने शनिवार को विधायक हरविंदर कल्याण के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियों ने विधायक हरविंदर कल्याण को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार तक उनका ज्ञापन पहुंचाने की मांग की है। किसानों ने जताया कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो किसान कड़ा रुख अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा है जी, हमारी मांगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो मांग है, मेन मांग है गन्ने के रेट की समस्या है। क्यों, वो सीजन निकलता जा रहा है, गन्ना बिकता जा रहा है। इनको कई बार हमने प्रदर्शन भी किए, हर जिले में, हर स्टेट पे, मुख्यमंत्री जी को भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्दी से ये काम, थोड़ी देर रुको, कर दूंगा आपका काम। शुगर मिल में हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे बस्ते में डाल गए इसको। अब हम उनको गर्म करने के लिए सरकार को और सीएम को तो यही कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका रेट बढ़ाए, क्योंकि रेट अब बढ़ेगा तभी किसान को कुछ फायदा होगा। अगर किसान का गन्ना ही खत्म हो गया, आधा पचादा निकल गया, थोड़ा रह गया, तो फिर रेट बढ़ाया तो फिर क्या फायदा। ठीक है जी, तो आज सिर्फ विधायक के आवास पे या सभी विधायकों के आवासों पे चल रहा है? नहीं, ऐसा है जी, कल हमने जमुना नगर में किया था, ऐसे ही सभी जो सभी जिलों के अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके नेता हैं, चाहे वो एमपी है चाहे विधायक है, हम उनकी मार्फत सीएम को अलर्ट करना चाहते हैं कि हमारा गन्ने का रेट जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी मांगे हमारी इसमें ज्ञापन में दी हुई हैं, जो इनके बस की है, हरियाणा सरकार के बस की, वो तो मौके पे इनको मंजूर करे और लागू करे, और जो सेंटर की है वो हम सेंटर से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक कोई मिलने आया आप लोगों से? आप धरने पे बैठे हैं? हम अभी तो धरना स्टार्ट ही हुआ है, ये तो अपने आप आएंगे मिलने, उनको पता है कि मेरे गेट के ऊपर बैठे हैं। अगर नहीं हमारे को मिलने आया, हमारा ज्ञापन लेने आया, तो हम रोड जाम कर देंगे। तो किसान यूनियन के सभी प्रतिनिधि रतन मान जी और बाकी सभी उनके जो यूनियन के सदस्य हैं, उन्होंने गन्ने के भाव को लेकर एक ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक जितनी भी कोई डिमांड कभी भी आती है, सभी को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन बातों को कंसिडर करा जाता है और उन बातों को आगे बढ़ाया भी जाता है। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से नई व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं, वो किसानों के हित में है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा है कि कमज़ोर व्यवस्थाओं के कारण जो नुकसान होता था वो आमतौर पर किसानों को ही होता था। आज ये जागरूकता भी लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और आखिर में ये जितनी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी वो सारा ही लाभ जो है वो किसानों को होगा। और मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि किसानों का अतीत में किस प्रकार से शोषण हमेशा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब से व्यवस्थाओं पे काम सरकार ने किया है, तब से एक आशा की किरण इस प्रकार से जगी है कि किसानों का हक कोई खा नहीं पाएगा। सरकार भी इसमें पूरे तरीके से संकल्प लिए हुए है और मैं किसान यूनियन के सभी सम्मानित सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो भी समय समय पर किसानों की आवाज़ों को उठाते हैं और इस प्रकार से जो एक सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं और सरकार भी बड़ी गंभीरता से उन बातों को लेकर जो होने वाले विषय हैं उनको आगे बढ़ाते हुए उन कामों को पूरा करती है।